हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस सम। इसमें हमें दो कंडीशन दी गई है, एंगल ए माइनस एंगल बी 70 है, एंगल बी माइनस एंगल सी 40 है और ट्राइंगल ए बी सी है। अभी इसमें दोनों में जो कॉमन है उसके लिए हमें एक्स सपोज करना है। सो सपोज मेजर एंगल बी इक्वल्स टू एक्स। अभी फ्रेंड्स क्या करना है, जो कॉमन है उसके अलावा जो है उसको हमें इक्वेशन में अकेला करना है। कैसे अकेला करेंगे, जैसे कि पहली कंडीशन हमारी है मेजर एंगल ए माइनस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 70। नाउ बी की वैल्यू लिख देंगे, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 70। अभी ये माइनस एक्स वो साइड चला जाएगा, सो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 70 प्लस एक्स। नाउ लेट्स कम ओवर हियर, मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 40। अभी फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, एक्स माइनस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 40। अभी फ्रेंड्स इसमें सी को अकेला कर देना है, तो कैसे करेंगे, ये 40 को ये साइड ले लेंगे, एक्स माइनस 40 मेजर एंगल सी वो साइड चला जाएगा, तो प्लस मेजर एंगल सी। अभी मेजर एंगल सी इक्वल टू एक्स माइनस 40। अभी फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि बी के लिए एक्स लेना है, मैं ए के लिए भी ले सकता था सी के लिए। फ्रेंड्स मैंने बी के लिए ही एक्स लिया, क्योंकि जब आप ये इक्वेशन लगाओगे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, मैंने लिख रहा हूँ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। अभी एक्स का रीजन आपको समझ आ जाएगा हमने एक्स इसे ही क्यों लिया। तो देखो ए की जगह हम लिख देंगे 70 प्लस एक्स, बी की जगह सिर्फ एक्स, सी की जगह एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 180। तो अभी देख सकते हो एक ही वेरिएबल है हमारे पास, अगर दो अननोन वैल्यू हो तो इक्वेशन में हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी इसे सबको एक्स करने के लिए जो कॉमन है उसके लिए एक्स लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो यहाँ पे अगर एंगल ए आ जाता तो ए भी पता नहीं है, एक्स भी पता नहीं है, सो डिफिकल्ट टू फाइंड। अभी एक्स 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 थ्री टाइम्स है, सो 3x 70 में से 40 जाएगा तो 30, बिगर नंबर साइन प्लस 30, सब कुछ साइन नहीं है तो प्लस 70 माइनस 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, सो 3x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 50। अभी फ्रेंड्स इसके हिसाब से हम सब एंगल पता कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये इक्वेशन है मेजर एंगल a इज इक्वल टू 70 प्लस एक्स, तो उसमें हम x की वैल्यू रख देंगे, सो ये हो गया हमारा 70 प्लस 50 दैट इज 120, राइट। अभी इसमें आ जाते हैं, इसमें x की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 50, सो मेजर एंगल c इज इक्वल टू एक्स माइनस 40, x की वैल्यू हो गई 50 माइनस 40 दैट इज 10। सो a 120 है, b 50 है, c 10 है, सो ट्राइंगल के तीनों तीन एंगल मुझे पता चल गए, ठीक है। अभी फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये पूरे इक्वेशन के लिए हम x ले लेंगे, मेजर एंगल a इक्वल्स टू x, मेजर एंगल b अपॉन 2 इज इक्वल टू ऑल्सो x, मेजर एंगल c अपॉन 3 इज इक्वल्स टू ऑल्सो एक्स। सो ये क्या हो जाएगा, मेजर एंगल b इक्वल्स टू 2x, ये 2 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर एंगल c इज इक्वल्स टू 3x। नाउ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180, सो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180। a की जगह लिख देंगे x, b की जगह 2x, c की जगह 3x इज इक्वल्स टू 180, सो 6x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, x इज इक्वल टू 30, सो x की वैल्यू मुझे मिल गई 30, यानी कि मेरा जो फर्स्ट एंगल है वो 30 है, सेकेंड जो है वो कितना है 2 इंटू 30 दैट इज 60, ये कितना है 3 इंटू 30 दैट इज 90, सो 30, 60, 90 तीन एंगल मुझे मिल गए। हमें सबसे पहले तो डायग्राम आपको बनाना है, तो जो ट्राइंगल है वो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, चाहे वो शुरुआत में या बीच में, पहले आपको ट्राइंगल बनाना है तो आपको समझ आएगा कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी जो है वो बना देते हैं, सो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए
बी सी. नाउ इसमें सी ए डी एंड ए बी ई, ए बी ई इज समथिंग लाइक दिस, ए बी ई राइट, ए बी ई, सो हियर ई एंड सी ए डी, सो सी ए डी वुड बी समथिंग लाइक दिस राइट. सो दिस इज सी ए डी, सी ए डी. सो दिस टू आर एक्सटीरियर एंगल राइट, ए बी ई एंड सी ए डी. उसके मेजरमेंट क्या है, 100, 125. देन दिस इज टू बी फाउंड. ये हमने कॉम्प्यूट वैल्यू जो था, कॉम्प्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, उसमें हमने सेम किया हुआ था. अभी फ्रेंड्स ये दोनों का टोटल जो है 180 होगा बिकॉज लीनियर. सो आई विल राइट एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए बी सी is equals to 180. ABE is 100. 100 plus angle ABC is equals to 180. So angle ABC is 180 minus 100. So angle ABC is 80. So this is 80. 80. Right? Now same here. CAD and CAB, ये दोनों एंगल, ये CAD है, ये CAB है. सो एंगल CAD प्लस एंगल CAB इज इक्वल्स टू 180. सो CAD इज 125, ये 125 है, प्लस CAB. यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लीनियर लिखना है राइट, लीनियर पेयर. यहाँ पे भी आपको सेम लिखना है, लीनियर पेयर. सो 125 प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू 180. सो सी ए बी इक्वल्स टू वॉट, 180 माइनस 125. सो एंगल सी ए बी इक्वल्स टू, अभी 125 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 राइट. सो 55 हियर, 55. सो 55. नाउ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180. सो वी विल राइट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180. नाउ ए बी सी इज 80, ए सी बी इज टू बी फाउंड and BAC is equals to 55. So here 180. So angle ACB is equals to 180 minus 55 minus 80. So angle ACB equals to 80 55. Kitna ho jayega? 135, right? So minus 135, and this is as it is. So angle ACB equals to 45. Right, so ACP 45. Solved. So thank you so much for watching my videos. I will upload more videos as soon as I can. All the best for your examination. Thank you.